लो ये क्या हिंदी बोल दे जी जी ओके लो, ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी हम लोग नगरकोट से निकल चुके हैं और जा रहे जनकपुर। तो यहीं से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी पहुंचे लगभग 100 किलोमीटर के आसपास। तो हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही हो गए थे। और एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो मैं बता दूँ, अभी जनकपुर जाऊँगा और आपको सीता माता का घर दिखाऊँगा और कुछ दिखाऊँगा। तो चलिए आगे आपसे रास्ता में मिलते हैं। और देख सकते हैं क्या लुक है, अभी पहाड़ी पे है ऊपर, ये देख सकते हो आप पीछे। तो रास्ता में यहाँ पे चाय वाय के लिए रुके थे और चलिए चलते हैं आगे, आपसे मिलते हैं। देख सकते हो अभी हम कमला मंदिर के पास हम लोग पहुँचे हैं। देखिए झूला पे है रास्ता, सामने मंदिर दिख रहा होगा आपको। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे जनकपुर। तो देखिए इस साइड नदी और ये मंदिर, चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। ये मंदिर जाने का रास्ता देख सकते हैं। तो फाइनली यही कमला माई मंदिर है, देख सकते हो काफी खूबसूरत मंदिर। रेडी में नीचे आ चुके हैं, गए थे उससे और नदी के बीच से हम लोग गाड़ी के पास जाएंगे। देखिए काफी अच्छा लग रहा है, सुंदर मंदिर। तो फाइनली हम लोग आए धमसा धाम जो नेपाल में पड़ता है। ये देखिए पीछे मेरे पीछे, चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। यहाँ पे जो राम भगवान धनुष उखाड़ के फेंके थे वही जगह है धमसा धाम। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं धमसा धाम, इसको बोलते हैं। आप देख सकते हो पीछे है, यही धनुष है और काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं आगे, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। बीच वाला टुकड़ा है, बीच वाला टुकड़ा यहाँ गिरा था और एक टुकड़ा था रामेश्वरम में गिरा जो पड़ता है साउथ में, और एक और टुकड़ा जो आकाश में गया। तो देख सकते हो आप धनुष बढ़ते जा रहे हैं, पत्थर टूट के निकल रहा है, देख सकते हो यही है और काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं बीच में टुकड़ा। जैसे आप वो फोटो देख लो, वो बीच वाला टुकड़ा है वो यहाँ पे है और एक टुकड़ा जो आकाश में गया और एक टुकड़ा रामेश्वरम में। तो यही है यहाँ का। हेलो, ये क्या हिंदी बोल दे जी जी ओके ला। ये क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की घटना, सत्ययुग में शंकर भगवान ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए महर्षि दधीची नैमिषारण्य महर्षि दधीची की शरीर दान मांगे, जिंदा शरीर पर नमक चढ़वाए, जिंदा शरीर को गाय से चटवाए और उन्हीं की हड्डियां से धनुष बना, इनाक धनुष। वही धनुष शिव ने परशुराम को दिए, परशुराम ने जनक को दिया था। तो सीता स्वयंवर रची जनकपुर, तोड़ा वहाँ प्रभुदय चाप खंड मही डारे, तीन टुकड़ा हुआ। तो दाहिना भाग गया आकाश रामेश्वरम तमिलनाडु, अब आया गया पाताल जनकपुर धनुसागर, यहाँ हुए मध्य भाग दही जन राम मध्य धनु तोड़ा बीच का टुकड़ा। तो ये मेन टुकड़ा ही पर ये पेड़ है, ये पेड़ को भी 550 बरस से ऊपर बता रहा है। अब धनुष बढ़ रहा है, पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, लंबाई बढ़ रहा है। यहाँ ये कुंड है पाताल गंगा, यही पानी ऐसे तले रहे तो थोड़ा समय ठीक नहीं है, ऐसे देखने में लगता जैसे रुद्राक्ष हो ना उस रूप में, ना पाथर है ना लोहा है ना लावा है, अभी तक क्या है कह करके प्रूफ नहीं हुआ। इसीलिए इसको इस रूप में रखा गया है कि ज़्यादा कृत्रिम ना हो, जितना हो सके इनको प्राकृतिक ही रखा जाए। यही हुए यहाँ की संक्षेप कहानी, बोल श्री धनुषा धाम की। तो फाइनली आप लोग देख लिए हो, तो चलिए मिलते हैं फिर आगे जनकपुर में। ओके बाय। आप देख सकते हो अभी हम लोग धनुषा धाम से जनकपुर में आ चुके हैं। अब देखिए पीछे महल, यही है जनक जी और सीता जी का घर। तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं, यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी बड़ा महल है देख सकते हो।
अभी अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ के अंदर, वहाँ के अंदर का दृश्य ऐसा लग रहा है। ज्यादा दूरी नहीं है, मथुरा से वृंदावन केवल 10 बार की दूरी होगा। चलिए आपको अंदर जा रहे थे, अभी जा रहा अभी जहाँ शंख चक्र कदा अवध वो चरण झाप जब मिला तो रथ से लोग अभी जा रहे हैं वहीं पर। और प्रेम इसका कोई सीमा नहीं। और आज श्री ठाकुर जी बलराम जी दाऊद जी के साथ में नंद बाबा के साथ मथुरा के चलो मत जाओ करें। जिससे निकल रहे हैं तो अभी राम भगवान को जहाँ पे शादी हुआ था वो आपको मंडप दिखाएंगे, तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। देख सकते हो यही वो मंडप है जहाँ पे सीता माता अपना और भगवान श्री राम का शादी हुआ था, तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। फाइनली आप देख सकते हो यही वो जो मंडप है जहाँ पे राम भगवान अपना और सीता माता का शादी हुआ था, तो चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। ये तो कुछ अंदर का ऐसा है, वो देखिए वहीं पे मंडप हुआ है और वहीं शादी हुआ था। चुके हैं हम लोग, 9 बजे वहाँ से निकले थे, जनकपुर से आते थे, लेट हो गया, अभी बज रहा है 2 लगभग, 2 के आसपास। बहुत बारिश हो रहा था रास्ता में, पटना में भी हो रहा था। तो चलिए आज के ब्लॉग यहीं तक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भाई चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, भाई का सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।